चाह संथाल में घुसपैठ पर सुनवाई हुई है। झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज की गई है। केंद्र की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई। मामले पर कमेटी गठन करने की मांग भी की गई है। केंद्र ने कमेटी बनाने की मांग की है। कमेटी के गठन से ही घुसपैठियों की पहचान हो सकती है, ये केंद्र सरकार ने अपनी दलील दी है। बता दें कि कमेटी के गठन पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा यह राजनीतिक मुद्दा है। हाईकोर्ट ने कहा यह पॉलिटिकल फोरम नहीं। तो देखिए घुसपैठियों की पहचान संभव, ये केंद्र ने अपनी दलील दी है। वहीं यह भी कहा गया सिब्बल की तरफ से कि यह राजनीतिक मुद्दा है और हाईकोर्ट ने कहा कि यह पॉलिटिकल फोरम नहीं है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए आज कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले आज जो है स्टेट की ओर से जो आपको है सीधे कपिल सिब्बल जो वरीय अधिवक्ता, उन्होंने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि संथाल में घुसपैठ को लेकर जो आंकड़ा है वो स्पष्ट नहीं है, जिसका जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कि केंद्र की ओर से जो हलफनामा दिया गया है उसके पारा 36 को पढ़ने की जरूरत है। पारा 36 में तमाम चीजें घुसपैठ को लेकर के कोर्ट को जानकारी दी गई है कि कहां कितने घुसपैठिए हैं और एक आंकड़ा दिया गया है। तो कोर्ट ने तमाम चीजों को सुना, लेकिन उसी समय कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि यह एक पॉलिटिकल इशू है। तो इस पर कहा गया कि कोर्ट ने यह कहा कि यह कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है और ये गंभीर मुद्दा है। तो जो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की जो बात आ रही है तो उस पर कोर्ट ने कहा कि हमने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट अगली सुनवाई से पहले अपना आदेश जारी करेगा। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर के आज जो चीजें होनी थी वो दरअसल आपको मुड़ गई सीधे जो कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल जो मूव बता दिया गया इसको, इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सीधे कहा है कि आप लोग इसको पॉलिटिकल मत बनाइए क्योंकि गंभीर मुद्दा है और घुसपैठ से जुड़ा मुद्दा है जिसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका।